चलो देखो, तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले जो जो बेसिक्स है, पहले एनसीईआरटी को हम लोग कवर करेंगे पूरा, ये चैप्टर नंबर 9 है आपका, ठीक है। और चैप्टर नंबर 9 का हम एक एक एग्जांपल और एक एक साइज का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, पहले इसको आप जरा समझो ध्यान से, पहले क्या होता है। देखो, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें आपको मतलब डेरिवेटिव दिखे या डेरिवेटिव्स दिखे, मतलब एक डिफरेंशिएशन दिखे या एक से अधिक डिफरेंशिएशन आपको दिखे, उसमें सबसे पहली बात, यानी एटलीस्ट कम से कम एक आपको डिफरेंशिएशन उसमें दिखना चाहिए, तभी उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, आपको जो डिफरेंशिएशन होता है आपको पहले से पता है कि अगर हम लोग डिफरेंशिएशन में ऐसे लिखते हैं dy / dx, ठीक है, या हम लिख सकते हैं dx / dy, है ना, यही दो चीज है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे y का जो है डिफरेंशिएशन करते हम लोग x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना वो हमारा कहलाता है एक तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी y जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहां पे x हो जाता है। यानी अगर हम लोग y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर वाला जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो नीचे वाला है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। वो अपने को ध्यान रखना है कि किसके रेस्पेक्ट में किसका डिफरेंशिएशन। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये एक्स हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। वो हमें देखना है कि फंक्शन हम कैसा ले रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स ले रहे हैं या डी एक्स बाई डी वाई ले रहे हैं। यहाँ तो ये वर्ड लिखा है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब यही होता है यानी डी बाई डी एक्स, है ना, कोई फंक्शन होगा, है ना, एफ एक्स, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं, है ना। अगर मैं इसी तरीके से आपको एफ एक्स को ही हम लोग वाई कहते हैं तो इसलिए हम इसको डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं, है ना। तो ये आपको दिखना चाहिए कि एक टर्म आपको कम से कम डी वाई बाई डी एक्स वाला दिखना चाहिए, तभी उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करेंगे। अब जरा यहाँ पे ध्यान से अपने को देख रहे हैं, देखो अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो यहाँ पे ये लिखा है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव और डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे देखो जरा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 लिखा है, इसमें कहीं पे भी आपको कोई डेरिवेटिव दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है। साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इज इक्वल टू आपको 0 दिख रहा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो तीनों का तीनों इक्वेशन लिखा हुआ है ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा होता है क्योंकि इसके अंदर कहीं पे भी एक जगह पे भी मेरे को डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म दिखाई नहीं दिया है, तो इसलिए हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर नहीं करें। पॉइंट नंबर 1, अब यहाँ पे हम लोग जरा देखते हैं कि ये क्या है। अब देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो मतलब आपको एक पार्ट यहाँ पे दिख रहा है जिसमें आपको डिफरेंशिएशन दिख रहा है एंड डेरिवेटिव दिख रहा है और यहाँ पे कोई फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है और उसका पावर यहाँ पे 3 दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि हाँ, इसके अंदर कम से कम एक डेरिवेटिव हो या एक से अधिक डेरिवेटिव अगर आपको दिखाई देता है तो उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करेंगे, सबसे पहली बात। अब ना कुछ यहाँ पे नोटेशन है जो पहले से आप लोग जानते हैं, नोटेशन में हमें पहले से ये बात पता है कि हम लोग किसी भी अगर एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको हम वाई डैश लिखते हैं, या हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल डी और ऐसे वाई लिख करके फॉर्म सकते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को वाई डबल डैश लिखते हैं, और ये डी टू वाई हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डी थ्री वाई अपॉन में डी एक्स का क्यूब लिखा हुआ है इसको आप वाई थ्री डैश ऐसे लिखेंगे और ये डी थ्री वाई भी कहलाता है। तो ये बेसिक जो है ये नोटेशन है कि डिफरेंशिएशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो पहले आप एक बार इसका, है ना, इसको आप राइट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे इसको देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे समझे, अब जब हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, मतलब ये पता चला कि उसके अंदर एक कम से कम डेरिवेटिव या एक से अधिक डेरिवेटिव उस इक्वेशन में दिखाई देना चाहिए, मतलब इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करें।
उसके बाद अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आपको पता लग जाता है तो हमें ये पता लगाना है, मतलब ये यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। आप किसी भी साल का बिल्कुल उठा करके देखना, ऑर्डर और डिग्री पूछा जाता है, ठीक है। ये एक नंबर का मान मतलब बनता है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है तो खूब ध्यान से समझो। देखो असल में क्या है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा उसमें डेरिवेटिव वाला पार्ट होगा। हमें देखना क्या है कि जो भी डेरिवेटिव वाला पार्ट है, ठीक है ना, उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है, यहाँ पे ध्यान रखना, हाईएस्ट ऑर्डर वही कहलाता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमें वो टर्म देखना डी वाई डी एक्स वाला पार्ट जिसका मतलब जो ऑर्डर होना चाहिए वो हाईएस्ट होना चाहिए। यहाँ पे कैसे समझेंगे वो एक एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप ये समझो कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है कि इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल बोले तो आपको वाई का जो है ऑर्डर देखना होता है, ठीक है। यहाँ पे समझो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड पॉइंट अपना है कि डिग्री हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखना क्या है कि इट इज द हाईएस्ट पावर, याद रखो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर लिखा हुआ है और यहाँ पे हाईएस्ट पावर लिखा है। याद रखो पावर हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, उसी का देखना है ना, जिसका ऑर्डर हाईएस्ट है उसी का, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है y, उसी के हम अगर हाईएस्ट पावर को बता दें वही हमारा क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। वही बोला है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा और उस डेरिवेटिव में जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला होगा उसी के हम पावर को बता देंगे तो हमारा डिग्री कहलाता है, ठीक है। वो ध्यान रखें कैसे बताएंगे, ऑर्डर एंड डिग्री अगर सच में डिफाइन है, मतलब ऑर्डर तो आप बता दोगे लेकिन डिग्री जो है कुछ कुछ चीजों का डिफाइन नहीं होता है, वो कैसे पता चलेगा मैं अभी आपको बताऊंगा, आपको ये चीजें समझ में आ जाएगा। ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रखेंगे, है ना, कि आप ऑर्डर या डिग्री की बात करेंगे, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री अगर डिफाइन है तो वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, एक दो तीन चार ऐसे ये सब आंसर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है d3y upon में dx करके प्लस में 2 टाइम्स ऑफ d2y upon में dx स्क्वायर माइनस में d/dx प्लस में y = 0। सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को देख करके देखना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, तो ये दिख रहा है क्योंकि इसमें एक बार डिफरेंशिएशन दिख रहा है, इधर दो बार डिफरेंशिएशन है, इधर तीन बार डिफरेंशिएशन है, यानी ध्यान रखना है आपको सबसे हाईएस्ट जो डिफरेंशिएशन है वो यहां पे दिख रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे ऐसे बॉक्सिंग कर देंगे, ध्यान रखेंगे। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर इसका कितना, ऑर्डर मतलब इसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसको तीन बार डिफरेंशिएट किया गया है तो इसका ऑर्डर हम लोग लिखेंगे 3, ये ध्यान रखेंगे। और डिग्री हम बताते हैं, यानी जिस डिफरेंशिएशन का आपने ऑर्डर बताया है उसी वाले पार्ट को आपको देखना है, इसका जो हाईएस्ट पावर दिख रहा है ना, वाई का आपको हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, यानी इस पूरे बॉक्स का अगर आपसे पावर पूछा जाए, मतलब वाई इस फंक्शन का पूछा जा रहा है, तो ये वाई आपको 1 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 1, तो इसकी डिग्री जो होगी वो कितना होगा 1 होगा, ठीक है। इस तरीके से जो पहला अपना क्वेश्चन शुरू होता है ना वो यहीं से शुरू होता है कि ऑर्डर डिग्री बताना होता है क्वेश्चंस का, और वो हम लोग करेंगे। हमें क्या करना है, वापस से पूरे मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखना है, इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो हमारा ऑर्डर कहलाता है, और उसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जो पावर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। इस तरीके से आप इसको ध्यान रखें, आप इसको नोट करिए, कुछ क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू जो हम लोग इस चीज को सीखेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए राइट और पास रख करें इसको, हो गया डन। चलिए यहां पर कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन दिया हुआ है dy अपॉन में dx इज इक्वल टू e का पावर x, ठीक है। नेक्स्ट है d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में y इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है आपका d3y अपॉन में dx का क्यूब प्लस में x का स्क्वायर इनटू d2y dx स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy/dx प्लस dy/dx
साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस में साइन और डी वाई बाई डी एक्स ठीक है इज इक्वल टू जीरो। इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है हम लोगों, ठीक है। एक तरफ आप इसका ऑर्डर देखेंगे और एक तरफ आप इसका डिग्री देखेंगे, है ना। यहाँ पे अगर बात करूं ऑर्डर बताना है आपको, ऑर्डर और इसका डिग्री देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आपके एनसीईआरटी की एग्जांपल है, ठीक है। ये पांच क्वेश्चन से आप ऑर्डर और डिग्री समझ जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बार थोड़ा जल्दी से रुको, क्लियर, आगे बढ़े। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ जो डेरिवेटिव आपको दिख रहा है डी ओवर डी एक्स, इसका ऑर्डर आपको कितना दिख रहा है, वन दिख रहा है। इसका ऑर्डर कितना दिख रहा है, वन दिख रहा है, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है तो इसका ऑर्डर वन है। और इस बॉक्स पर आपको पावर कितना दिख रहा है, वन दिख रहा है, तो इसकी डिग्री भी कितना होगी, वन। मतलब आपको दिख रहा है कि डिफ्रेंशिएशन कितनी बार किया गया है और इसमें जो फंक्शन है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, तो वो हमको दिख रहा है कि वन दिख रहा है। यहां देखा जाए तो ये जो टर्म है इसको दो बार डिफ्रेंशिएट किया गया, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, दो होगा, लेकिन इसका डिग्री कितना होगा, वन होगा। डिग्री कितना दिख रहा है आपको, वन दिख रहा है, ऐसा होंगे। यहां पर देखो अगर यहां देखा जाए तो इधर एक फंक्शन दिख रहा है जिसको तीन बार डिफ्रेंशिएट किया गया है और इधर एक फंक्शन है जिसको दो बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो हमें देखना है कि डिफ्रेंशिएशन सबसे ज्यादा कहां है, तो डिफ्रेंशिएशन यहां पे सबसे ज्यादा दिख रहा है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां से पता चलता है। तो इसका जो है ऑर्डर अपने पास तीन हो जाएगा और इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आपको वाई दिख रहा है, वाई वाई इधर है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पावर कितना है, वन, तो इसका डिग्री भी कितना होगा, वन। अगर यहां देखा जाए आप ध्यान से देखिए तो यहां पर मुझे दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आपको डी ओ बाई डी एक्स दिख रहा है और साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो दिख रहा है। एटलीस्ट जो है एक जगह डेरिवेशन दिखना चाहिए, डेरिवेटिव दिखना चाहिए या एक से अधिक जगह भी दिख सकता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आप देखिए मैं चूंकि यहाँ पे अपने को क्या करना है कि ये जो डिफ्रेंशिएशन किया गया वो एक बार किया गया, तो इसका ऑर्डर मुझे एक बार दिख रहा है और इसका जो हाइएस्ट पावर दिख रहा है बॉक्स को कितना दिख रहा है, दो दिख रहा है, तो इसका डिग्री इस बार दो हो जाएगा। आप ध्यान रखिए इधर क्या है, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें है ना, ये इस पूरे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको आपको ध्यान देना है। इधर आपको दिख रहा है कि भाई इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, ऑर्डर तो इसका ठीक है, आप इसका ऑर्डर अगर चेक करो तो ऑर्डर तो मुझे दिख रहा है ठीक है, लेकिन इसका डिग्री देखा जाए ना तो यहां देखो साइन के अंदर अगर कभी भी आपको साइन के जरिए जो थीटा की जगह पे दिख रहा है ना, ये थीटा की जगह पे मुझे डी बाई डी एक्स दिख रहा है, मतलब ये अगर देखा जाए तो ये जो इक्वेशन है ना ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ये नहीं है, है ना, इक्वेशन नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और जब कोई भी इक्वेशन याद रखना है अपने को, अगर इसके अंदर कुछ ऐसे डी ओ डी एक्स दी दिया, कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है और अंदर उसके डी ओ डी एक्स दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है कि वो पॉलीनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए आप सारे क्वेश्चंस को देखिए और इसको देखिए, इसमें थीटा की जगह पे डी ओ बाई डी एक्स आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब हुआ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलीनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं, और जो क्वेश्चन पॉलीनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होगा उसकी डिग्री हम नहीं बता सकते, तो इसका डिग्री जो होगा वो नॉट डिफाइन होगा, क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। इस पांच क्वेश्चन में आपको इस वाले पांचवे नंबर क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि अगर कोई भी इक्वेशन जो पॉलीनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक दो तीन चार और पांच, ये पांच क्वेश्चन आपने सीखा, ठीक है। नेक्स्ट आगे सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं, है ना, और एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, आप इसको नोट करिए। आगे चलिए यहाँ पे देखो एक्सरसाइज नंबर, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 9.1, ठीक है। और 9.1 का आपको बताना है डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1-10। यहां 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 क्वेश्चन को आपका बताना है ऑर्डर और डिग्री। पहला सवाल मैं लिख रहा हूं, लिखा हुआ है डी फोर वाई अपॉन में डी एक्स का पावर 2 प्लस साइन
और यहाँ पे y ट्रिपल डैश ठीक है इज इक्वल टू जीरो, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल अगर मैं लिखूं तो y डैश प्लस में 5y इज इक्वल टू जीरो ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अगर लिखा जाए तो ds बाई dt लिखा हुआ है, ds बाई dt का पावर 4 है यहाँ पे और प्लस में 3s d2s अपॉन में dt स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 4 d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में cos dy अपॉन में dx इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 5 डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस में साइन 3x। क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 वाई ट्रिपल डैश है और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है प्लस में वाई डबल डैश है इसका क्यूब है प्लस में y डैश का पावर 4 है और इज इक्वल टू प्लस में y का पावर 5 है और इज इक्वल टू 0 ठीक है। ये 6 क्वेश्चंस पहले हम लेते हैं ठीक है। इस 6 क्वेश्चंस का आप ऑर्डर डिग्री जल्दी से लिख के बनाओ। एक तरफ आपको ऑर्डर लिखना है इसका और एक तरफ आपको इसका डिग्री लिखना है ठीक है। आपको बस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और उसको ऑर्डर लिखना है और उसी का जो पावर है उसका अपने को डिग्री देखना है ठीक है। एक मिनट का मैं टाइम देता हूँ, अब जल्दी जल्दी फटाफट से बढ़िए। चलो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस फंक्शन को 4 बार डिफरेंशिएट किया गया है और इस फंक्शन को यहाँ पे देखो ये अंदर आपको दिख रहा है y का ट्रिपल डैश। यानी अगर मैं इसको लिखने जाऊं अगर आप ध्यान से देखो तो ये फंक्शन मुझे कैसे दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है d का पावर 4y और नीचे दिख रहा है डी एक्स का पावर 4 और प्लस में अगर मैं लिखूं तो ये साइन मुझे दिख रहा है और इसके अंदर डी थ्री वाई अपॉन में कितना डी एक्स का क्यूब दिख रहा है। यही बात है आपको मैंने भी बताया कि कोई त्रिकोणमितीय फंक्शन के अंदर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगा तो उसका डिग्री तो सबसे पहले क्या होगा नॉट डिफाइन, इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर इसका ऑर्डर पूछा जाएगा तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे दिख रहा है कितना है 4। तो यहां से हम इसको कितना लिख सकते हैं, यानी ऑर्डर तो अपने पास 4 हो गया लेकिन इसका डिग्री डिफाइन नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे नॉट डिफाइन ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि dy by dx है, y डैश का मतलब एक बार इसको डिफरेंशिएट किया गया इसका ऑर्डर 1 है और आपको इसका पावर भी कितना दिख रहा है 1, तो इसका डिग्री कितना होगा 1 ठीक है। अगर मैं इधर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखूं तो यहाँ देखिए आप ध्यान से इधर डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है और इधर डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है 2 बार, तो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये कर रहा है ना। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो ऑर्डर इसका कितना होगा 2 और डिग्री इसका पावर अपने को 1 दिख रहा है तो डिग्री इसका कितना होगा 1 होगा। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ देखिए इधर क्या है कि अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखा जाए तो 2 दिख रहा है तो मेरे पास ऑर्डर तो 2 है लेकिन यहाँ देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे क्या दिख रहा है ये नॉट डिफाइन होगा, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो इधर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को देखना होगा, डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में मेरे को दिख रहा है ऑर्डर इधर 2 दिख रहा है ना और इस पे जो पावर है वो कितना है 1 है तो इसका डिग्री अपने को 1 दिख रहा है। इधर आपको दिख रहा है 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, इधर 2 बार इधर 1 बार है ना, तो यहाँ पे अपने को हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में 3 दिख रहा है मतलब 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है और इसका पावर कितना दिख रहा है अपने को 2, तो ये हमारे पास डिग्री हो गई। तो ये फर्स्ट 6 क्वेश्चंस में ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करने का ये अपना तरीका। आपको ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन है ना ये डिफरेंशियल पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, मतलब इसके अंदर थीटा की जगह पे कभी डेरिवेटिव वाला पार्ट नहीं दिखना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो जो भी पॉलिनोमियल डिफरेंशियल फंक्शन होता है ना उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है, ऑर्डर डिफाइन होता है बट डिग्री डिफाइन नहीं होता है। इसीलिए जब मैं डेफिनेशन लिख रहा था तो मैंने आपको बताया है कि इफ डिग्री इज डिफाइंड तो यहाँ पे डिग्री मे बी डिफाइंड और नॉट बी डिफाइंड, ये अपने को ध्यान रखना है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, राइट डाउन क्लास आप एक बार अपना क्रॉस चेक कर लो ठीक है।
आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर सिक्स था, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर सेवन लिखिए आपको, ये लिखा होगा वाई पे ऐसे ट्रिपल डैश प्लस में टू टाइम्स ऑफ वाई डबल डैश और प्लस में ऐसे वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, ये वाई डैश है प्लस में वाई है इज इक्वल टू ई का पावर एक्स है। क्वेश्चन नंबर नाइन, ये आपको दिख रहा है वाई डबल डैश प्लस में वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस में टू टाइम्स वाई इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर अगर दस की बात करें तो ये वाई का डबल डैश दिख रहा है आपको प्लस में टू टाइम्स ऑफ वाई डैश प्लस में साइन वाई इज इक्वल टू जीरो। शुरू के ये फर्स्ट टू टेन क्वेश्चन में सिर्फ ऑर्डर और डिग्री आपको बताना था, है ना। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे, यहाँ देखिए इसको तीन बार डिफरेंशिएट किया गया है तो इसका ऑर्डर तीन है, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया गया है एक, हाईएस्ट यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएट किया गया है दो, और यहाँ पे भी दो बार डिफरेंशिएट किया गया है। ऑर्डर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर आपको हाईएस्ट है ना, ऑर्डर डेरिवेटिव आपको देखना है। अच्छा, जिस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखते हैं उसी का हम लोग डिग्री बताते हैं, ये ध्यान रखेंगे, है ना। अभी हमें इसी का डिग्री बताना है, तो इसका अगर पावर पूछा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, डी थ्री वाई अपॉन में डी एक्स का क्यूब है, तो इस बॉक्स का पावर मुझे वन दिख रहा है, तो इसका हम लोग डिग्री कितना लिखेंगे, वन लिखेंगे। उसके बाद अगर बात करूं यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा था, डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, मतलब यहाँ पे इसका भी जो है मतलब डिग्री कितना आएगा, वन है। अगर मैं उसी तरीके से यहाँ बात करूं तो ये डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, और इसका भी जो डिग्री होगा वो कितना होगा, वन होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ये डी टू वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर दिख रहा है, मतलब इसके भी बॉक्स पर अपने पावर वन दिख रहा है, तो ये इसका डिग्री भी हमारे पास वन हो गया, है ना। तो ये पूरे क्वेश्चन का हमने ऑर्डर और डिग्री बताया है, किसका ऑर्डर क्या होगा किसका डिग्री क्या होगा, ठीक है। ऑर्डर और डिग्री में कोई प्रॉब्लम, सिर्फ आपको एक ही जगह पे ध्यान रखना है कि अगर कोई पॉलीनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो हम उसकी डिग्री को है ना नहीं बता पाएंगे, तो उसका डिग्री हमारा क्या होगा, नॉन डिफाइंड होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर, चलो नेक्स्ट आते हैं। ये था अभी क्वेश्चन नंबर वन टू टेन, अभी इसमें इसके अंदर दो क्वेश्चन और है, और ये दो क्वेश्चन अपने को करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर में, और आपसे पूछा है ना द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका डिग्री अपने को बताना है, ठीक है। जैसे डी टू वाई है और डी एक्स का स्क्वायर और इधर इसका होल क्यूब है प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है और प्लस में साइन इंटू में डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, और प्लस में वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आप मुझे बताइए आपके पास चार ऑप्शन है ए बी सी और डी, ठीक है। सबसे पहले 3 है 2 है 1 है और नॉन डिफाइंड है, ठीक है। आपने बताइए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बताना है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। दिस वन इज 2x स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। वी हैव फोर ऑप्शन 2, 1, 0 एंड डी नॉट डिफाइंड, ओके नॉट डिफाइंड। आपको बताइए क्या होगा, सुरुचि बोलो इसका डिग्री क्या होगा, सोच लो तो डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना
पॉलीनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, मतलब इन दिस क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिग्री नॉट ऑर्डर, हमें सिर्फ डिग्री की बात करना है। तो हमें पता है कि अगर कोई भी पॉलीनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं है, तो ये डी जो है इसका आपको ध्यान रखना है। मैं सबसे ज्यादा रिलेटेड इसी बात को कर रहा हूँ, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि इसका ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर कितना होता, ये जो सेकंड दिख रहा है ना, ये आप इसका ऑर्डर बताते हैं कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपने को दिख रहा है। इसका मतलब है कि ऑर्डर तो डिफाइन होगा लेकिन जरूरी नहीं कि डिग्री डिफाइन हो, डिग्री डिफाइन होने के लिए उस इक्वेशन को पॉलीनोमियल इक्वेशन होना जरूरी है ना। लेकिन अगर कोई भी इक्वेशन जो कि पॉलीनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, जैसे कि ये साइन थीटा की जगह पर डी ओ बाई डी एक्स ऐसा दिख जाए, e की पावर एक्स के जगह पर एक्स वाले जगह पर डी ओ बाई डी एक्स दिख जाए, तो वो हमारा क्या आईडी, मतलब पॉलीनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह नहीं दिखेगा। अगर इस क्वेश्चन में आपसे ऑर्डर पूछा है कि आपको ऑर्डर बताना है, तो आपको देखना है सबसे ज्यादा बार किधर डिफरेंशिएट किया गया, तो इधर किया गया है और आपको ये दिख रहा है ना, ऑर्डर इसका कितना होगा, 2 होगा। मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, इधर ऑप्शन नंबर ए और इधर ऑप्शन नंबर आपका जी, ठीक है। ये था एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन एग्जांपल के साथ ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। आते हैं एक्सरसाइज 9.2 के लिए कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर आपको अगला एक्सरसाइज कराते हैं, ठीक है। चलो।